हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम जो कक्षा 10वीं गणित है उसमें से प्रश्नावली 1.1 के सवाल हम हल करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये नए सिलेबस के ये सवाल हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल सभी हल करने वाले हैं। अगर आपको इन सवाल में परेशानी है, अगर नहीं है फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको दोबारा समझने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के जो सवाल है कैसे हल करने हैं, चलिए हम जान लेते हैं। और इनमें करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न एक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो सवाल है, और यहाँ पर इसमें 5 सवाल हैं, पांचों हम हल करके देख लेते हैं पहले। तो हमने ये सभी सवालों को इसमें नोटबुक में यहाँ पर लिख रखे हैं, तो हम एक एक सवाल हम यहाँ पर हल करके देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा 140, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 140, तो हम यहाँ पर 140 को हल कर लेते हैं पहले। तो 140 हम संख्या लेंगे और इसका हम गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अब इस 140 की संख्या जो है उसको हम काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटना है, आपको ध्यान में रखना है ये। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो ये 140 है, 2 से कितने बार में कट जाएगा, चलिए काट के देख लेते हैं। पहले 14 को काटते हैं, अगर एक साथ में नहीं काट पा रहे हो तो 2-2 से अंक करके भी काट सकते हैं। तो 2 × 7 = 14, 7 बार में, और 0 को हम 0 लिख देंगे क्योंकि आगे उसकी संख्या नहीं है। इसके बाद में हम 2 से कट रहा है, तो अभी भी जब तक कटेगा जब तक ही हम उसी संख्या से काटते जाएंगे। 2 से कट रहा है, अब 2 × 70 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 × 3 = 6, और 1 बचा इसमें से, तो 10, 0 के आगे 1 आ जाएगा तो 10 हो जाएंगे, तो 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर ये 35 बार में 70 कट जाएंगे, तो वैसे भी काट सकते हैं। और इसके बाद में क्या अब 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा क्योंकि अब पीछे विषम संख्या आ गई, ये 2 से भी नहीं कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, अब ये संख्या जो है वो 5 से कटेगी, तो हम यहाँ पर 5 से इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 7 बार में ये कट जाएगा। और क्या अब ये 5 से कट रहा है, नहीं कटेगा क्योंकि अब ये 7 से ही कटेगा, क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से इसका भाग नहीं जाएगा, और यहाँ पर ये 7 × 7, तो हमारी जो गुणनफल है जो कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं, 140 का जो गुणनफल है वो कुछ इस प्रकार से आया है, 2 × 2 × 5 × 7, तो कुछ इस प्रकार से इसका गुणनफल आया है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 बराबर में 2, एक सी संख्या है, 2 बार है, तो इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे, स्क्वायर में लिख सकते हैं, बात वही है। और इसके बाद में गुणा करेंगे, गुणा में लिख के फिर 5 लिख देंगे, फिर गुणित 7 लिख देंगे, क्योंकि ये जो 2 है वो 2 बार है इसलिए हमने इसको वर्ग में लिख दिया, इसमें और कुछ बदलाव नहीं किया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पहले सवाल को हल कर लेना है और आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आंसर निकल आया है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें यहाँ पर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब हम सवाल दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा सवाल कौन सा है, 156 वाला, तो हम सवाल नंबर दूसरा भी लिख लेते हैं। हमने थोड़ी सी पेन चेंज कर दी क्योंकि थोड़ा सा सवाल अलग से देखे और आंसर अलग से देखे, तो 156, तो हम 156 का भी यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं, 156 लेंगे और इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 156 को सबसे छोटी संख्या से हम काटेंगे, 2 से काटना शुरू करते हैं, 2 कितनी बार में कट जाएगा, 15 काट के देखते हैं पहले, 2 से 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 हो जाएंगे, तो 14 बार यानी कि 7 बार में आ जाएगा। इसके बाद में इसमें से 1 बचा तो 6 के आगे 1 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 16, तो 16, तो 2 × 8 = 16 होते हैं, तो 8 बार में यहाँ पर ये कट जाएगा। इसके बाद में चलिए हम इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 पीछे है, सम संख्या है तो आसानी से कट जाएगा। यहाँ पर हम 2 से फिर से काटते हैं, 2 × 2 = 2 × 4 = 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 3 बार में ये कट गया 7, अब इसमें से 1 बचा क्योंकि 6 आ रहा है ना, तो 1 जो है वो इसके आगे आ जाएगा 8 के आगे, तो ये 18 हो जाएंगे, तो 2 × 9 = 18 होते हैं, आप जानते होंगे, 2 का पहाड़ा आता होगा आपको। तो इसके बाद में
कुछ इस प्रकार से ये संख्या जाएगी। अब क्या अब फिर से ये दो से कट रहा है या नहीं कट रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो संख्या है वो दो से नहीं कटेगी, अब ये संख्या जो है तीन से कट जाएगी, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 बार में ये कट जाएगा 9। तो कुछ इस प्रकार से ये संख्या 13 आ रही है। तो 13 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, 1 से कट सकती है तो 1 से हम काटेंगे नहीं, और इसके बाद में ये फिर 13 से ही कट सकती है, तो हम इसको 13 से ही काट देते हैं। तो हम 13 से ही इसको काट देते हैं, 13 एकम 13। तो फाइनली जो आंसर फाइनली 1 आ जाएगा हमारे पास। अभी ये गुणनफल है वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे, इनको हम लिखेंगे, ये जो गुणनफल है हम वो भी लिख लेते हैं। 156 का जो गुणनफल है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 156 बराबर में, क्योंकि हम दो तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर इसका गुणनफल क्या है, 2 × 2 × 3 × 13, ये इसका गुणनफल है। तो यहाँ पर इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जो जो हमें कॉमन संख्या दिख रही है यानी कि एक जैसी दिख रही है उनको हम वर्ग में लिख देंगे। तो फाइनली नीचे हम 2 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये 2 है, 2 बार है, तो इसको स्क्वायर में लिख देंगे, बात बराबर ही है। और इसके बाद में 3 को लिखेंगे, इसके बाद में फिर 13 लिख देंगे, क्योंकि ये सिंगल सिंगल संख्याएं हैं। कुछ इस प्रकार से फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है। और आप चाहो तो पेपर में अगर ये भी लिखे आओगे ना तो भी सही होगा, अगर इस प्रकार से लिखोगे तो भी सही होगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली हमारे 2 सवाल क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला सवाल कर लेते हैं, आगे का जो सवाल है वो है कौन सा, तीसरा सवाल। चलिए हम तीसरे सवाल को करके देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा है 38 25। तो हम चलिए 38 25 तीसरे सवाल को नोट कर लेते हैं यहां पर। सवाल नंबर तीसरा 38 25, ये हमारा सवाल है। इसका सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, 38 25 का गुणनखंड हम सबसे पहले इसको सबसे छोटी संख्या से काट लेंगे, क्योंकि ये पीछे जो संख्या है वो विषम संख्या है, ये 2 से तो कटेगा नहीं। तो इसके बाद में जो संख्या है, इसके बाद में 2 से नहीं कट रही ये संख्या, तो हम अब इसको किससे काटेंगे, 3 से काट के देखेंगे, 3 से कट जाएगी। तो हम इसको 3 से काट के देख लेते हैं, 3 लिखेंगे यहां पर, 3 एकम 3, जो 3 है पहले 1 बार में कट गया, इसके बाद में इसको 8 को काट के देखते हैं, 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, ज्यादा हो रहा है, 9 भी ज्यादा हो रहा है, तो 3 एकम 3 3 2 6, तो यहां पर कितने बार में कट रही है, यहां पर 2 बार में कट रही, 6। इसके बाद में इसके आगे जो संख्या है वो कितनी बची, क्योंकि 6 आ रहे हैं और यहां पर 8 है, तो 2 और संख्या बच रही, तो ये 22 हो जाएंगे, 2 इसके आगे लग जाएंगे, तो यहाँ पर 22 से अब इसको 22 को काट के देखते हैं, 3 से 3 एकम 3 3 2 6 3 7 21, 7 बार में कटेगा क्योंकि 7 बार में 21 आ रहे हैं, और इसके बाद में अब 1 फिर भी बच रहा है क्योंकि ये 22 थे, तो ये 1 इसके आगे आ जाएगा, 5 के आगे, तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो आप 3 को 15 से काटते हैं, 3 5 15, तो फाइनली जो आंसर फाइनली जो आ जाएगा हमारा वो 12 75 3 से कट जाएगा। इसके बाद में फिर से काटते हैं उसी संख्या से 3 से, क्योंकि 3 से फिर से एक बार और कट जाएगा, 3 चौको 12, कितने बेर में कट रहा है, 4 बेर में ये 12 कट गए, इसके बाद में 75 बच रहे हैं, तो यहाँ पर ये 75 जो है कितने बार में कट जाएंगे, चलिए हम एक एक संख्या काट लेते हैं, 3 2 6, तो 2 बार में ये कट गया, 7 1 बच रहा है क्योंकि ये 7 है, 3 2 6 6 आ रहे हैं 2 बार में, तो यहाँ पर 1 इसके आगे आ जाएगा, तो ये 15 हो जाएंगे, 3 5 15 होते हैं, आपको जानकारी होगी। तो फाइनली ये 425 बेर में कट जाएगा। क्या अब ये फिर से किस संख्या से कटेगा, 3 से, तो अब ये कटने वाला नहीं है, चलिए हम इसको 5 से काट के देख लेते हैं, ये 5 से काट के देख लेते हैं, 5 को 4 4 42 के काटते हैं, 5 एकम 5 58 40, 58 कितने होंगे, 40 हो जाएंगे, 8 बेर में ये 42 कट जाएंगे, 2 बचे इसमें से, ये 2 आगे आ जाएंगे, 25 25 25 होते हैं, आपको पता होगा। और इसके बाद में फिर से इसको 5 से काटते हैं, चलिए हम इसको 5 से काट के देख लेते हैं,
एकम पांच, 3 बचे 5 7 35, तो फाइनली 17 जाएगा। अब इसको 17 किस कितनी संख्या से कटेगा, 17 नहीं कटने वाला है किसी भी संख्या से, तो यहाँ पर ये 17 से ही कटेगा, तो हम इसको भी काट देते हैं। फाइनली जो हमारा एक प्राप्त हो गया, अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। हमारा सवाल हो चुका है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या हमारी है जिसका हमने गुणनफल निकाला है वो लिख लेते हैं, जैसे कि हमारी संख्या है 38 25 बराबर में, इसको दो बार लिख लेते हैं क्योंकि हमें दो बार इसका दो बार दो तरह से आपको लिखना है। तो फाइनली हमारे यहाँ जो गुणनफल निकल कर आया वो क्या है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो फाइनली जो संख्या है वो गुणनफल की वो इस प्रकार से निकल कर आई है। अब इसको दो तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हम इसको हम वर्ग में लिख लेते हैं। 3 2 बार है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे 3 हमारे 2 बार हैं, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर में लिख देंगे 3 स्क्वायर 3, इसके बाद में गुणा। 5वीं जो संख्या है वो हमारी कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको भी स्क्वायर में लिख देंगे 5 स्क्वायर। और इसके बाद में है स्क्वायर वर्ग, या स्क्वायर के लो या वर्ग के लो बात बराबर होती है। इसके बाद में यहाँ पर 17 17 1वीं बार है, तो इसको 17 के 17 लिख देंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से आप हल करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे पेपर में। और इसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 5005 ये है, तो ये क्या 2 से कट रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या से हमको काटना है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं में से सबसे पहले जो संख्या है वो कौन सी है, 2 फिर 3, इसके बाद में 5 फिर 7 फिर 11। तो इस अभाज्य संख्या में से सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, ना ही 3 से कटेगा, तो ये कटने वाला है 5 से, तो हम इसको 5 से पहले काट देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, इसके बाद में जो 00 है तो इनको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। इसके बाद में 5 को फिर 5 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, तो फाइनली कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। क्या ये संख्या जो है वो यहाँ पर 5 से दोबारा कट रही है, नहीं कटेगी ये 5 से, तो यहाँ पर इसको 7 से काट के देख लेते हैं। तो हम इसको 7 से काटते हैं, 7 को 10 से काटते हैं, एक बार में कट जाएगा। इसके बाद में 3 बचेंगे, तो 3 जो 3 0 के आगे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे ये। और इसके बाद में 30 यानी कि 7 से 30 को भाग देंगे तो क्या हुआ, 7 एकम 7 7 2 14 7 3 21 7 4 को 28, 7 6 को 28, कितने बेर में, 4 बेर में आ रहा है 28, तो ये 4 लिख दिया हमने। इसके बाद में कितने बच रहे हैं, 28 आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 बच रहे हैं, 2 बचेंगे तो 2 इसके आगे जाएंगे तो 1 के आगे तो कितने हो जाएंगे, 21, तो फिर 7 से काटेंगे 21 को, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 एकम 7 7 2 14 7 3 21, तो कितने 3 बार में ये कट जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर फाइनली ये 7 से दोबारा कट रहा है, ये 7 से दोबारा नहीं कटेगा, अब ये 11 से कटेगा। तो 11 से कैसे कटेगा, यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि 11 से इसको काटते हैं तो 11 एकम 11, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसके बाद में 3 बचे, क्योंकि 14 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे ना, तो 3 आएंगे इसके आगे, ये 3 है तो ये कितने हो जाएंगे, 33, तो 33 11 ये 33 होते हैं, तो यहाँ पर 3 बार में ये कट जाएगा। इसके बाद में 11 3 33 होते हैं, इसके बाद में हम ये कितने, 13 से ही कटेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो होती है एक, या फिर 1 से कटे या फिर उसी संख्या से कटे जो संख्या है स्वयं से कटे, तो यहाँ पर ये 13 से इसको काटते हैं, 13 एकम 13, तो फाइनली ये कुछ इस प्रकार से गुणनफल हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि हमारा जो संख्या लिख लेते हैं पहले, तो इसके बाद में इसको दो तरीके से लिखना है, दो बार लिख लेते हैं। तो इसका गुणनफल कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है, 5 × 7 × 11 × 13।
तो इसको इसमें कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी डबल संख्या नहीं दिख रही है आपको, सभी सिंगल है। 5 भी सिंगल है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है। तो फाइनली हमारा आंसर यही आ चुका है। इसको अब वर्ग में लिखने के लिए कोई संख्या ही नहीं है। कोई डबल संख्या होती तब हम इसको वर्ग में लिखते, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है छात्र। इसके बाद में हमारा है पांचवा सवाल। चलिए हम पांचवे सवाल को भी करके देख लेते हैं। तो पांचवा सवाल कौन सा है हमारा, 74-29। तो ये हमारा पांचवा सवाल है 74-29। तो चलिए इसका गुणनखंड हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये जो संख्या है हमारी 74-29, तो ये 2 से नहीं कटेगी, ये कितने से कटेगी, ये जो संख्या है वो कितने से कटेगी, ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि पीछे विषम संख्या है। इसके बाद में ये 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, काट के देख लीजिएगा। और ये जो संख्या है वो 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कट रही है। इसके बाद में जो संख्या 17 से कटने वाली है, 17 एकम 17, 17 दून 34, 37 51 57 64। तो यहाँ पर 17 चौकों 68, 4 बेर में 68 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 74 में से इसको घटा लेते हैं हम, 74 में से 68 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। तो हमारे 6 जो हैं वो 2 के आगे आ जाएंगे क्योंकि 6 जो 74 में से हमें बचे हैं, तो 2 के आगे आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये 62 हो जाएंगे। अब 17 का पाड़ा 62 में देख लेते हैं, 62 को काट देते हैं हम। तो यहाँ पर 17 एकम 17, 17 दून 34, 37 51, कितने बार में, 51 आ रहे हैं, 3 बार में आ रहे हैं, तो ये 3 लिख देते हैं। इसके बाद में फिर इसको 51 51 जो हमें प्राप्त हुए हैं, 51 प्राप्त हुए हैं, तो इसको इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको 62 में से जाएंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, कितने प्राप्त हो जाएंगे हमें, 1 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। इसके बाद में 6 में से 1 11 आ जाएंगे, 11। इसके बाद में फिर ये 9 9 जो संख्या है वो 11 के बाद में आ जाएगी क्योंकि 11 जो है वो तो कटेंगे नहीं। इसके बाद में 119 जो है वो संख्या हमें प्राप्त हुई है, तो अब इसको काटते हैं हम 17 से। तो चलिए 17 से 119 कितने बार में कट जाएंगे, तो फाइनली जो 119 है वो 17 से 7 बार में यहाँ पर कट जाएंगे। तो चलिए 7 बार में हम इसको काट देते हैं, 7 बार में। कुछ इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब इस संख्या को हम फिर से काट के देखते हैं 17 से, ये 17 से नहीं कटेगी, अब ये 19 से काटते हैं, 19 से कट जाएगी। तो हम 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 होते हैं, 19 दूनी 38, तो यहाँ पर 38 दो बार में ही है कटेगी। तो यहाँ पर 43 जो हमें प्राप्त हुए हैं, और इसको 38 को माइनस कर देते हैं इसमें से, तो कितने बचेंगे, यहाँ पर जो हमें प्राप्त होंगे 13 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 और 3 5, 5 संख्या हमें बचेगी। तो 5 जो संख्या हमें बची है प्राप्त हुई है वो 7 के आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें 57 प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, अब 57 हो गए। तो इसको काटते हैं 19 से, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो यहाँ पर 3 बार में ये कट जाएगा। अब 3 जो 23 प्राप्त हुआ है हमें, वो एक अभाज्य संख्या है, ये जो संख्या है वो सिर्फ 23 से ही कटेगी। हमने पहले ही बता रखा है कि 23 जो एक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से ही कट जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर ये 1 बार में आ जाएगा। तो जो हमें क्या प्राप्त हुआ गुणनफल, तो चलिए हम वो लिख लेते हैं, 17 गुणित 17 गुणित 19 गुणित 23। ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये स्कोर में लिखने लायक है नहीं क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ पर डबल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है। तो फाइनली इस संख्या का आंसर हमें मिल जाएगा। तो फाइनली इस प्रकार से हमने पांचों सवालों को हल करके देखे हैं। अगर आपको कोई परेशानी या कोई भी समझ में नहीं आया है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके आगे के जो सवाल हैं वो भी अगले पार्ट में आपको मिलने वाले हैं, ये पार्ट 1 है। और इसके पहले जो हमने वास्तविक संख्या को लेकर पूरी डिटेल में समझाया है वो भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा, वो भी आपको मिलेगा प्लेलिस्ट जो हमारी है मैथ की कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लेना, वहाँ पर पार्ट बाय पार्ट अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ से आप पूरे पार्ट देख सकते हैं।
और इसके अलावा ये जो नोट्स हैं, यानी कि जो भी सॉल्व किए हैं हमने, ये बाद में भी आप देख सकते हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देना ऑल पर, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।